एक ओर तो सरकार शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है, जबकि छात्र कॉलेज में एडमिशन को लेकर परेशान हैं। ऐसे में खरगोन जिले के पीजी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलने से छात्रों ने मोर्चा खोल दिया और धरना देकर समस्या निवारण की मांग की। बताया जा रहा है कि महाविद्यालय में पर्याप्त कक्ष होने के बावजूद भी सीट नहीं बढ़ाई गई और प्रवेश लेने के लिए सैकड़ों छात्र परेशान हो रहे हैं। इस दौरान 25% सीट बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने विद्यालय प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी प्रवेश से अस्वीकृत रह गए थे, फिर से वही स्थिति निर्मित हो रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कितना परसेंट है आपके? मेरा 58%। अच्छा, एक चीज़ देखी गई है यहाँ पे, किस किस विषय के हैं यहाँ पे? कोई विशेष डिग्री के हैं या सभी सम्मिलित लोग आप आंदोलन कर रहे हैं? सम्मिलित हैं और सभी के अच्छे परसेंट होने के बावजूद भी नहीं आ रहे, सभी सब्जेक्ट में बच्चों के नाम नहीं आ रहे। क्या कहा जाता है आपको? सर हमको सीटें बढ़वानी है सर, और प्रशासन में सुधार करवाना है। अब क्या चाह रहे हैं आप? सर प्रशासन ने ये बोला है कि 10-12 क्या चाह रहे हैं आप? सर हम ये चाह रहे हैं कि सीटें बढ़ाए और हमारा नाम आ जाए सर, क्योंकि हमारा एक साल तो बर्बाद हो चुका है, पिछली बार भी हमारा नाम नहीं आया। अगर किसी कारण से सीट नहीं मिल पाती तो फिर किस प्रकार हम आंदोलन करेंगे? क्या नाम लिखते हैं आप? लक्ष्य वास्तव। देखो, उच्च शिक्षा विभाग ने अभी एक नई नीति बनाई है। प्रतिवर्ष क्या होता था, चौथा राउंड जो चलता था उसमें 10 से 12 बजे तक कॉलेज स्तर से फॉर्म लिए जाते थे और 2 बजे तक मेरिट लिस्ट बना के चस्पा की जाती थी। लेकिन अभी हायर एजुकेशन ने क्या किया है कि अभी 30 दिन तक फॉर्म लिए जाएंगे और 1 अगस्त को एक ही बार सूची लगेगी, जिसमें बहुत से बच्चे वंचित रहने का डर है और बहुत से बच्चों के कम प्रतिशत होने के कारण एडमिशन ना होने का भी डर है। और दूसरी बात बता दूं, कॉलेज प्रशासन में सीमित सीटें बची है और एडमिशन लेने वाले की बच्चों की संख्या अत्यधिक है, तो ऐसे में बच्चों का साल तबाह होगा। इसलिए हमने शासन से मांग करी कि 25% सीटों की वृद्धि की जाए और जो एडमिशन की प्रवेश की प्रक्रिया है उसे नियम में संशोधन कर। ये कॉलेज गेट के सामने आप नीचे बैठे हैं, इससे क्या सिद्ध करना चाहेंगे? हमारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो आने वाले नियम का, और हम सीट वृद्धि के लिए हमारा आज का विरोध प्रदर्शन। अगर किसी कारण से नहीं हो पाती है सीट वृद्धि तो क्या अगला? बिल्कुल अगला हमारा कदम आंदोलन करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम भागीरथ खटवास है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।